तमाम लोगों को मेरी तरफ से सलाम और आदाब। मंच पर बैठे हुए महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की शमा और उसका झंडा उठाए हुए जनाब अबू आसिम आजमी साहब और पार्टी के अजीम नौजवान लीडर जनाब धर्मेंद्र यादव जी और सभी माननीय सदस्य जो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आए हैं, और आप लोगों ने जिस तरह से हम सब लोगों का स्वागत किया, इस्तकबाल किया है, उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं अभी अपने युवा जो एमपी सांसद बनकर उत्तर प्रदेश से आए हैं उनको सुन रहा था। जो जज्बा, जो मोहब्बत, जो शौक उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आया है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आज जब मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही थी, शहरियों के दरमियान, देशवासियों के दरमियान दूरियां और खलीज पैदा की जा रही थी, ऐसे में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सपूत अखिलेश यादव जी प्रेम और मोहब्बत का झंडा लेकर उठे और उत्तर प्रदेश में राम की नगरी से उन्होंने ये साबित कर दिया कि यह हिंदुस्तान प्यार और मोहब्बत का है। जो लोग नाम बदलने की सियासत कर रहे थे, जो लोग दिल बदलने की सियासत कर रहे थे, उनको हिंदुस्तान की सरजमीन ने हरा दिया है, मोहब्बत ने हरा दिया है, इंसानियत ने हरा दिया है, संविधान ने हरा दिया है। और हजारों मुजाहिदीन आजादी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए जाने दी, कुर्बानियां दी, उनकी रूह ने उन सांप्रदायिक फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त दे दी है। आज जब कुछ लोगों की उम्मीदें मैं सुन रहा था कि एक दिन वो आएगा ही महाराष्ट्र में कि यहां समाजवादी का झंडा लहराएगा इंशाल्लाह, और विचारधारा समाजवादी की जो है, सारे समाज को एक साथ लेकर चलना, आजादी के साथ लेकर चलना, सम्मान के साथ लेकर चलना और सद्भावना और भाईचारे के साथ लेकर चलना, यह सिर्फ समाजवाद का काम है और किसी और पार्टी का काम नहीं है देश में। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने सारे मुल्क की जनता को यह पैगाम दिया है कि समाजवादी पार्टी अब देश की दिशा बदलने जा रही है और बदल दी है उन्होंने। इसलिए हमें बड़ी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की एक मजबूत आवाज बनेगी, और सारे जितने ये जो कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल कहलाता है मुंबई, इसमें जिस तरह से मौजूदगी हमारे उत्तरी भारतीय लोगों की है, जो सद्भावना वो लेकर चलते हैं, जो प्यार लेकर चलते हैं, उसकी वजह से जो मेहनत करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो सम्मान उनको मिलता है, वो अपना दिलों पर राज करेंगे। बहरहाल मैं आप सब लोगों का, महाराष्ट्र की तमाम जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों को इज्जत बख्शी, और यहाँ जितने भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं, जितने नेता स्टेज पर मौजूद हैं, वो और तमाम कारकुनान जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन तक भी हमारी बात पहुँच रही है। हम इस मैसेज के साथ, इस पैगाम के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं कि किरदार की बुलंदी, सोच की बुलंदी असल बुलंदी होती है, और सत्य की फतेह होती है, हमेशा सच्चाई जीतती है, नफरत कभी नहीं जीतती और नाहक कभी नहीं जीतता। मैं इन अल्फाज पर अपनी बात ख़त्म करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये जश्न का फतह, जश्न की जो फतह मनाई जा रही है, जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम दिल्ली में बैठकर सारे मुल्क के लिए विजय दिवस फतेह का जश्न मनाएंगे। धन्यवाद। इसके बाद